अस्सलाम वालेकुम जंतु, मुझसे मिलिए। एक पपी इधर। आज जो मेरा मौजूए सुखन है उसका उन्वान है जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं इकदार का खेल। इसका नाम इकदार का खेल है लेकिन इसमें होती इकदार की जंग है। जॉर्ज एरन मार्टिल नामी एक शख्स ने इस कहानी को शुरू किया। ये किताबों की सीरीज थी जिसका नाम था अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। इसका उर्दू तर्जुमा बर्फ और आग का गीत, और इस सीरीज की पहली किताब का नाम था गेम्स ऑफ थ्रोन्स। यहाँ तक तो ठीक है, अब आते हैं इसकी कहानी की तरफ। इस ड्रामे में जितनी स्टोरी लाइन्स हैं इससे ज़्यादा इसमें लोग घुसे हुए हैं। अजीब पहनिया की है भाई, अब बंदा स्टोरी याद रखे, लोग याद रखे, उनके रिश्ते याद रखे। इनके रिश्तों में फूफी चाची, मामा ताया, अंकल आंटी, इनका तो कोई सीन ही नहीं है भाई। यहाँ पे तो सबको सबसे प्यार हो रहा है। गेम्स ऑफ थ्रोन्स भी पाकिस्तान की सियासत की तरह ही है। इसमें भी वही कुछ हो रहा है जो यहाँ पे होता है, इकदार की लड़ाई। सारे एक दूसरे की तशरीफ के नीचे से कुर्सी खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक कहता है क्यों निकाला नवाज शरीफ को। दूसरा कहता है इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। कोई कहता है ये इकदार मेरे बाप दादा की विरासत है, मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। कोशिश करो मैं एक लात मार कर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा, कहीं के मर के भी नहीं मर रहा। कल भी फिट्टो जिंदा था, आज भी फिट्टो जिंदा है, कल भी फिट्टो जिंदा था, आज भी फिट्टो जिंदा है। जिस तरह पाकिस्तानी सियासत की आज तक आपको समझ नहीं आई, इसी तरह गेम्स ऑफ थ्रोन्स की भी आपको कोई समझ नहीं आनी। लिहाजा गेम ऑफ थ्रोन्स के चाचे ना बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट जरूर करें, क्योंकि हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है।